दोस्तों, आज कुछ लोगों की वजह से पूरे देश का माहौल बिगड़ा हुआ है। जगह जगह पर लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, जगह जगह पर दंगे फसाद हो रहे हैं। हाल ही में आपने हरियाणा के मेवात के नूह में देखा और सुना भी होगा कि किस तरह से वहां का माहौल बिगड़ा हुआ था। ऐसे बिगड़े हुए माहौल में हम आपको दो ऐसे वाक्या बताएंगे जिसको सुनकर आप समझ जाएंगे कि ना तो सारे हिंदू बुरे होते हैं और ना ही सारे मुसलमान बुरे होते हैं, सिर्फ कुछ लोग बुरे हैं जो अपने फायदे के लिए ऐसा करते हैं। ये दोनों वाक्या यकीनन आपके दिलों से नफरत को मिटा देंगे, इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपको ये लगे कि ये वीडियो हिंदू और मुसलमान को एक करने में मददगार साबित हो सकता है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला जो वाक्या है यह है इलाहाबाद की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम आरती था। आरती लखनऊ में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। आरती उस दिन अपने घर इलाहाबाद जाने वाली थी, मगर उसी दिन उसके किसी फ्रेंड के घर पर कोई पार्टी थी, इसलिए उसने सोचा कि पहले मैं अपनी फ्रेंड के घर जाकर पार्टी अटेंड कर लेती हूँ, उसके बाद शाम को अपने घर चली जाऊंगी। बस यही सोचकर उसने अपना रिजर्वेशन भी करवा लिया था। उसके बाद आरती ने पार्टी अटेंड की और फिर शाम को सीधी वो अपनी फ्रेंड के घर से निकली और रेलवे स्टेशन पहुंच गई और जाकर ट्रेन में अपनी सीट पर बैठ गई। आरती का रिजर्वेशन जिस बोगी में था उसमें लगभग सभी लड़के ही थे, जिसकी हंसी मजाक आरती को खूब डरा रही थी। टॉयलेट जाने के बहाने से आरती पूरी बोगी में घूम आई थी। मुश्किल से पूरी बोगी में दो या तीन औरतें रही होगी। ये देखकर आरती डर से कांप सी गई, क्योंकि पहली बार वो रात के वक्त ट्रेन में अकेली सफर कर रही थी, इसलिए वो पहले से बहुत घबराई हुई थी और अब उसकी बोगी में सारे लड़के ही भरे पड़े थे। ये देखकर वो और भी ज्यादा डर गई थी, इसलिए फिर वो खुद को सहज करने के लिए अपनी सीट पर बैठी और एक मैगजीन निकालकर पढ़ने लगी। बोगी में लड़कों का एक झुंड था जो किसी कैंप में जा रहा था। उनकी हंसी मजाक और उनके चुटकुले आरती को और भी ज्यादा डरा रहे थे। आरती के डर और भी बीच रात धीरे धीरे गुजरने लगी, मगर आरती अभी भी कांप रही थी। ये देखकर अचानक सामने की सीट पर बैठे लड़के ने कहा, हेलो, मेरा नाम अनिल है और आप तो डर के मारे पीली पड़ चुकी हो। तो आरती ने कहा, हाँ। तो वो लड़का कहने लगा, जी कोई बात नहीं, अगर आप अपना नाम बताना नहीं चाहती हो तो मत बताइए, मगर वैसे आप जा कहाँ रही हो? तो आरती ने धीरे से कहा कि इलाहाबाद जा रही हूँ। इतना सुनते ही लड़के ने कहा, क्या इलाहाबाद? अरे वो तो मेरी नानी का घर है, इस रिश्ते से तो आप मेरी बहन लगी। फिर खुश होते हुए अनिल ने इलाहाबाद की अनगिनत बातें बताना शुरू कर दी कि उसके नाना जी काफी नामी इंसान है, उसके दोनों मामा सेना में बहुत ऊंचे पद पर है। इस तरह से वो नई पुरानी बातें करने लगा। आरती भी धीरे धीरे नॉर्मल होकर अनिल की बातों में रुचि लेने लगी। आरती रात भर अनिल जैसे भाई के साए में सोती रही। सुबह आरती ने कहा, लीजिए आप मेरा पता रख लीजिए, अगर कभी नानी के घर आना हो तो आप हमारे घर जरूर आइएगा। तो ये सुनकर लड़के ने कहा, कौन सा नानी का घर? अरे बहन, वो तो मैंने आपको डरते हुए देखा तो मैं झूठ मूठ के रिश्ते करने लगा, मैं तो पहले कभी इलाहाबाद गया ही नहीं हूँ। ये सुनकर आरती चौंक उठी। तो लड़के ने कहा, बहन ऐसा नहीं है कि सभी लड़के बुरे होते हैं कि किसी अकेली लड़की को देखा नहीं कि उसके ऊपर गिद्ध की तरह टूट पड़े, हम में ही और भी भाई होते हैं। इतना कहकर प्यार से आरती के सिर पर हाथ रखकर मुस्कुराने लगा। आरती अनिल को देखती रही जैसे कि उसका कोई अपना सगा भाई विदा ले रहा हो। आरती की आंखों में आंसू आ गई। तभी अनिल ने आरती से कहा, हाँ बहन, मेरा नाम अनिल नहीं, मेरा नाम रियाज है। ये सुनकर आरती और भी ज्यादा हैरान रह गई।
दोस्तों ये तो हो गई एक लड़की की बात। अब आपको एक मुस्लिम लड़के का वाक्या बताते हैं जिसको सुनकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा और आपके दिल से नफरत खत्म हो जाएगी। दोस्तों अब हम आपको जो वाक्या बताने वाले हैं ये वाक्या गुजरात दंगे का बताया जाता है। कहा जाता है कि 27 फरवरी 2002 को दिन के वक्त एक ट्रेन में आग लगने की वजह से हिंदू मुसलमान के बीच लड़ाई शुरू हो गई, जो रात तक बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। फिर रात के वक्त लोग टोलियों की शक्ल में सड़कों पर घूमने लगे और बेकसूर लोगों पर हमला करने लगे। उसी रात गुजरात के अहमदाबाद के शहर में एक हिंदू लड़की अपने घर जा रही थी। इसी बीच उसने देखा कि सामने से सैकड़ों की तादाद में लोग अपने हाथों में तलवार लिए और शोर शराबा करते हुए आ रहे हैं। ये देखकर वो हिंदू लड़की बहुत घबरा गई और इधर उधर भागने लगी। वो बहुत से घरों में गई मगर ऐसी हालत में किसी ने भी अपने घर का दरवाजा नहीं खोला। ऐसे में वो लड़की बहुत ज्यादा डर गई थी। फिर वो भागते भागते हड़बड़ाहट में एक मस्जिद में दाखिल हो गई, यानी कि फिर वो धोखे से एक मस्जिद में घुस गई और एक कोने में छुपकर खड़ी हो गई। मस्जिद में दाखिल होने के बाद उस हिंदू लड़की ने देखा कि मस्जिद के दूसरे कोने में एक जवान मौलवी बैठा हुआ कुराने पाक की तिलावत कर रहा है, यानी कि एक चिराग की रोशनी में एक मौलाना कुरान पढ़ रहा है। मौलवी को देखकर फिर वो हिंदू लड़की उनके पास गई और उनको बाहर का सारा माजरा बता दिया, यानी कि उस मौलवी को सब कुछ बता दिया कि वो ऐसे ऐसे अपने घर को जा रही थी मगर उसके सामने दंगाई आ गई, इसलिए वो डर के मारे यहाँ पर आकर छुप गई है। फिर वो हिंदू लड़की मौलाना के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी कि आप मुझे बचा लीजिए, आप मेरी हिफाजत कीजिए, अगर मैं इस वक्त यहाँ से बाहर गई तो बाहर खड़े दंगाई मुझे मार डालेंगे, अभी बाहर के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, ऐसे माहौल में अब मैं अपने घर को नहीं जा सकती हूँ, इसलिए मैं रात भर यहीं रहकर गुजारना चाहती हूँ। फिर वो हिंदू लड़की हाथ जोड़कर मौलवी से कहने लगी कि मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे रात भर यहाँ पर रुकने की इजाजत दे दीजिए। लड़की की इन तमाम बातों को सुनने के बाद मौलवी साहब उठे और मस्जिद के दरवाजे पर गए और बाहर के हालात को देखने लगे। मौलवी साहब ने देखा कि बाहर के हालात वाकई में बहुत ज्यादा खराब थी। सैकड़ों की तादाद में लोग हाथों में लट लिए इधर उधर घूम रहे हैं और बहुत से लोग हाथों में तलवारें लिए मस्जिद के बाहर खड़े हुए हैं। ये देखकर मौलवी साहब भी बहुत ज्यादा डर गए। उन्होंने मस्जिद का दरवाजा बंद किया और अंदर जाकर उस लड़की को मस्जिद में रुकने की इजाजत दे दी। अब वो लड़की वही मस्जिद के दूसरे कोने में जाकर बैठ गई और मौलाना साहब फिर से कुरान पढ़ने में मशरूफ हो गए, यानी कि कुरान पाक को पढ़ना शुरू कर दिया। उस मौलाना के सामने एक चिराग रखा हुआ था जो जल रहा था। अब इधर वो लड़की मस्जिद के दूसरे कोने में बैठकर मौलाना साहब को देख रही थी। तभी उस लड़की ने देखा कि मौलाना साहब ने कुरान पढ़ने के दौरान अपनी एक उंगली को उस चिराग में डाल दिया और अपनी उंगली को जलाने लगे। फिर थोड़ी देर के बाद मौलाना ने वापस अपनी उंगली को चिराग से बाहर निकाला और फिर से वो कुरान पाक पढ़ने लगे। थोड़ी देर के बाद लड़की ने फिर देखा कि मौलाना साहब फिर से वही काम करने लग गए हैं, यानी कि उन्होंने फिर से अपनी उंगली को चिराग में डाल दिया और थोड़ी देर जलने के बाद उन्होंने वापस अपनी उंगली को बाहर निकाल लिया। मस्जिद के दूसरे कोने में बैठी वो हिंदू लड़की ये सारा मंजर अपनी आंखों से देख रही थी। ये देखकर वो लड़की हैरान और परेशान हो गई और सोचने लगी कि ये मौलाना साहब कहीं पागल तो नहीं हो गए हैं जो बार बार अपनी उंगली को आग में जलाते हैं। खैर दोस्तों फिर ऐसे सोचते सोचते उस लड़की की आंख लग गई, यानी कि उसको नींद आ गई और फिर पूरी रात निकल गई और सुबह हो गई। सुबह वो मौलाना उठे और मस्जिद के दरवाजे पर गए और उन्होंने बाहर के हालात देखे। मौलाना साहब ने देखा कि उस वक्त बाहर कोई भी दंगाई नहीं था, यानी कि सारे दंगाई वहां से जा चुके थे। फिर वो मौलाना उस लड़की के पास गए और कहने लगे कि बहन उठो, हमारे नमाज का वक्त हो गया है, अभी थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर बहुत सारे नमाजी आने वाले हैं, इसलिए अब तुम्हारा यहाँ पर रुकना
मुनासिब नहीं है, क्योंकि अगर लोगों ने तुमको यहाँ पर देख लिया तो लोगों में बदगुमानी पैदा हो जाएगी, लोगों में एक डाउट पैदा हो जाएगा। इसलिए अब तुम जल्दी करके यहाँ से चली जाओ। और मैंने बाहर जाकर देख भी लिया है, अभी बाहर के हालात नॉर्मल है, बाहर का रास्ता भी साफ हो चुका है, अब आप आसानी से अपने घर को जा सकती हो। जाओ, अब मैं तुमको बाहर तक छोड़ देता हूँ। ये सुनकर उस लड़की ने कहा कि अगर बाहर का रास्ता साफ हो चुका है तो मुझे जाने में कोई हर्ज नहीं, मगर मैं जाने से पहले आपसे एक बात जरूर पूछना चाहूंगी। मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, पहले आप उसका जवाब दीजिए। ये सुनकर मौलाना साहब ने कहा कि पूछिए बहन, क्या पूछना चाहती हो। तो वो कहने लगी कि मौलाना साहब, आप ये बताइए कि आप रात भर अपनी उंगली को चिराग में जलाने की कोशिश क्यों कर रहे थे। ये सुनकर मौलाना साहब कहने लगे, बहन इस बारे में आप ना ही पूछो तो अच्छा है, क्योंकि ये मेरा जाति मामला है, इसलिए मैं इसके बारे में आपको नहीं बता सकता। तो ये सुनकर वो लड़की कहने लगी कि जब तक आप मुझे इसके बारे में नहीं बताएंगे तब तक मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊँगी। इसलिए फिर मौलाना साहब को इसके बारे में मजबूरन बताना पड़ा। फिर वो मौलवी साहब कहने लगे कि देखो बहन, बात दरअसल ये है कि जब तुम रात के वक्त यहाँ पर आई थी तो तुम्हारी खूबसूरती को देखकर शैतान ने मुझको बहकाना शुरू कर दिया था, इसलिए मेरे दिल में नफ्सियाती ख्वाहिशात उभरने लगे थे, यानी कि तुमको देखकर मेरे दिमाग में गलत गलत और गंदे ख्याल आने लगे थे और वो मुझको बेचैन करने लगे थे। इसलिए फौरन मेरे दिल ने मुझसे कहा कि अगर तुम बुरा काम करोगे, अगर तुम गलत काम करोगे तो कल कयामत के दिन तुम्हें जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा, जो इस दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा भयंकर और ताकतवर होगी, इसलिए पहले तुम इस दुनिया की आग का मजा चख लो। बस यही सोचकर फिर मैं अपने दिल की बात को मानते हुए अपने जिस्म को आग के हवाले कर दिया और अपने जिस्म को आग का मजा चखाने लगा और अपनी नफ्स से कहने लगा कि अगर तुझ में आग की तपिश को बर्दाश्त करने की ताकत है तो फिर तुम्हारी मर्जी है, तुम जो चाहे वो करो, अगर तुम इसको बर्दाश्त कर सकते हो तो फिर तुम ये गुनाह कर लो। इस वजह से रात में जब जब भी मेरे दिमाग में गलत और गंदे ख्याल आए तब तब मैंने अपने नफ्स को आग के हवाले कर दिया और नफ्स को आग का मजा चखाने लगा। आग की तपिश देखकर मेरे नफ्स गलत काम करने से रुक गई। ऐसा करते करते ही मेरी पूरी रात गुजर गई। तो दोस्तों, देखा आपने, ना ही सारे हिंदू बुरे होते हैं और ना ही सारे मुसलमान बुरे होते हैं, बुरे कुछ गिने चुने लोग होते हैं जिनको भी बुरा बना दिया जाता है, क्योंकि वो बुरा बनेंगे तभी किसी को फायदा पहुंचेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने फायदे के लिए हिंदू मुसलमान को लड़वाने का काम बड़े लेवल पर कर रहे हैं, इसलिए आप ऐसे लोगों की बातों में कभी ना आए और आपस में सब मिलजुल कर रहे, इसी में हम सब का फायदा है, हमारे देश का फायदा है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को कम से कम अपने 3 दोस्तों तक जरूर शेयर करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।